بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एंड वेलकम टू आपका भाई का गाय में। तो एट लास्ट आपका भाई को अपना गाय मिल गया है और आपको दिखाएंगे और सब कुछ बताएंगे कितने में लिया, क्या लिया, नहीं लिया। तो आपका भाई पूरा पहले निकल गया साक्षर हाट में और साक्षर हाट में निकला पूरा दिन घूमने के बाद मेरे को मिला है जो ये एक साक्षर हाट का ये एक फार्म है जो ठीक साक्षर हाट से पहले में ये घर में पाले हुए बहुत सारे गाय सब का हाइट सब कम था लेकिन कुछ गोल गोल था लेकिन थोड़ा पेड़ वगैरह भी निकला हुआ था। तो भाई इसका रेट भी हम आपको बतलाएंगे जो हमको बतलाया। ये देखिए 1,20,000 का यहाँ कुछ गाय था, कुछ 95 का था जो। तो आपका भाई का बजट भी एक मीडियम था क्योंकि आपके भाई को और भी गाय वगैरह देखना था, तो इस वजह से तो आपका भाई ये देख रहा था कि एक बजटेबल रेट में मिल जाए। तो इन लोगों का भाई रेट बहुत, जैसे 1,20,000 सब गैया देसी गाय है लेकिन गोल गाल माशाल्लाह से अच्छा से कर दिया है। ये बहुत हाइटेड गाय नहीं है, हाइट बहुत कम है और थोड़ा सा पेट वगैरह निकला हुआ था। जानवर अच्छा है, गोल गाल है कुछ कुछ और कुछ कुछ है जो पेट थोड़ा सा ज़्यादा था। आपको बाहर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए एक ये जो 1,20,000 1,30,000 बस यही लास्ट था इस यहाँ जानवर का रेट। और जो कोना का था वो 1,20,000 जो आपको दो तीन जानवर निकालेंगे तो आपको रेट भी बतलाएंगे और सही। तो देखिए भाई लोग और कोई 85 का भी था तो मतलब यही सब रेंज में है, 70 का भी था जो बाहर में। तो आपका भाई पहले बोले चलो साक्षर हाट सब करा तो साक्षर हाट जाके देखे। तो साक्षर हाट का तो दिन नहीं था, देखिए ये बड़ा वाला जो हाइट वाला देख रहे हैं वो 1,30,000 रुपया डिमांड किया इसका और जो बगल में था 1,20,000। ये हाइटेड है काफ़ी और इसका बॉडी थोड़ा फिट वगैरह था लेकिन उसका बगल 1,20,000 रुपये डिमांड किया, 85,000 रुपीज़ डिमांड किया। सब आपको तीन चार जानवर निकाल के दिखाएंगे तो आपको रेट एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा। तो अब की बात तो बहुत ही देर होगी, आपको पता आपका भाई ढूंढे ढूंढे परेशान, जानवर रेट में आ रहा नहीं, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है जो एकदम नोट छापने वाली मशीन जो इतना इतना रुपया दे देंगे। तो काफ़ी टाइम लगा तो हम लोग सोचे साक्षर हाट में सब बोला है तो चलो साक्षर हाट में जाए। तो इधर भी दाम भाई ऑल फॉल है, हाइट एकदम कम है जानवर का माशाल्लाह से, गुलाय है लेकिन हाइट कम है। तो आपका ये जानवर सब निकाल के बाहर अभी दिखाएंगे आपको, तो आप बतलाइएगा कैसा है, सही रेट बोला कि नहीं बोला। अगर आप लोग को समझ में आता तो आप लोग जा सकते हैं। तो देखिए बाहर आ गए, ये वाला जानवर का 70,000 रुपया बोला। इसका रुआ थोड़ा था लेकिन जानवर अच्छा गोल गाल है, छोटा जानवर है गोल गाल है लेकिन इसका 70,000 रुपीज़ बोला। तो जैसे है अपना दाम दर आप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता बजट में आ जाए रीजनेबल सा, मतलब रेट ठीक ठाक लगा। तो देखिए अभी एक और जानवर आ रहा है, ये देखिए ये जानवर को भाई लोग पहले निकाला, पूरा सही से देख लीजिए। इस जानवर का आपका भाई लोग बोला 1,20,000। जानवर ठीक है लेकिन पेट बहुत ज़्यादा था पीछे जितना। तो अब आप बतलाइए 1,20,000 का होना चाहिए कि नहीं। अब ये लोग भाई लोग को हम लोग 70,000 रुपया बोले, 70,000 रुपया। हाइट कम है जानवर का, पेट से तो आपका जानवर को जज नहीं कर सकते ना। तो पेट ज़्यादा था, पीछे भी थोड़ा बहुत था लेकिन पेट ज़्यादा था इसका। तो इसका 70 बोले, थोड़ा बोले बढ़ा भी दे थे लेकिन इन लोग बोले 1,02,000 रुपये से कम नहीं होगा, मतलब 1,00,000 का ऊपर बात करने। तब 1,00,000 का ऊपर बात करेंगे तो थोड़ा हाइट वाला ही जानवर लेंगे, इतना छोटा छोटा देसी जान पैटर्न का जानवर क्यों लेंगे। तो भाई उतना बजट नहीं था, तो भाई आपका और भी जानवर सब आप देख लीजिए,
फिर हम लोग आपको दिखाएंगे कि कौन सा जानवर लास्ट में लिए कौन सा नहीं लिए। तो ये देखिए जानवर सब, अब दूसरा नंबर ये भी वही रेट का जानवर है, ये थोड़ा बॉडी फिट था लेकिन हाइट वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, सबका हाइट एक ही तरीका का है और गुलाई थोड़ा हो गया है इसका, थोड़ा सा चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा था पीछे का, पेट थोड़ा कम था जो पहला वाला जानवर से, तो उसका तो पेट में उसको 100% मार्क्स मिलता है लेकिन वेट में मीडियम है वो, मतलब ठीक ठाक है। तो रेट के हिसाब से हमको मतलब हाइट कम और मेरे साथ भी जो भाई गए थे उसको भी समझ में नहीं आया, तो हम लोग बोले चलो और भी देख लेते हैं, भाई लोग बोल रहा निकाल के दिखा देते हैं, तो निकाल के दिखाए। तो ये एक जानवर है, एक जानवर और भी निकाल के दिखाएंगे। तो इन लोग घुमा हुआ के रास्ते में यही चीज़ है कि दानकुनी वगैरह में जो रहता है कुछ फार्म में नहीं दिखाते हैं, और यहाँ जो है आपका निकाल निकाल के दिखा देते हैं लेकिन प्रोडक्ट ही नहीं उतना सही रहता है कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ जगह अच्छा जानवर है, जैसे जानवर ठीक ठाक है लेकिन रेट भी तो होना चाहिए उस हिसाब का तब आदमी लेगा। तो देखिए ये देखिए अब ये जानवर आ रहा है, ये तीसरा नंबर, ये जानवर देखिए, अब ये बोलिए ये कैसा लगा। ये 85 आपका दाम बोला था, 85 तो 85 के करीब, हाँ 85 ये बोला था, तो ऐसे ही रेट का यहाँ सब जानवर सब है। तो ये जानवर हम लोग देखे निकाल के कि ये भी थोड़ा सा रीजनेबल ठीक था, हाइट बहुत कम है सब जानवर का, छोटा छोटा हाइट का है और मतलब लेंथ भी उतना ज़्यादा नहीं है, जानवर ठीक ठाक है। दाम दर कीजिएगा तो मतलब जिसको रीजनेबल रेट में अगर देता है तो आप ले सकती है, पुट उट इसका अच्छा है लेकिन पैकेज के हिसाब से है लेकिन छोटा जानवर है। तो भाई बोले हम लोग थोड़ा सा हम लोग बोले कि नहीं भाई और देखते जाके साक्षरास के साइड में, तो ये सब जानवर देखे और सामने में भी जो आपको दिखाए थे वो जो छाई कलर का ग्रे कलर का जानवर वो आपका 70 बोला था, और उसके बगल वाला भी जो है जानवर ब्राउन सा वो भी 75 बोला था। तो ये भाई लोग दिखा दिया जानवर निकाल के। हाँ अब हम लोग पहुँच गए बोझरहाट, बोझरहाट ब्रिज के पास। यहाँ देखिए ये सब जानवर का आपका वही 65-70 ऐसा रेट बोल रहा था, रास्ता में बांध के रखा था। तो हम लोग बोले बोझरहाट का रास्ता हम लोग को जाना था दानकुनी, तो हम लोग बीच में जा रहे थे वही बोझरहाट जो ब्रिज है जिससे ग्वालवाड़ी जाया जाता वही रास्ता पकड़ के बोझरहाट ब्रिज पकड़ के एकदम सीधा। देखिए ये वाला जानवर जो लाल वाला है इसका 70,000 रुपया बोला, तो ऐसे ही 70, 65, 70, 75 ऐसे ही रेट सब बोल रहा था इन लोग। जानवर मीडियम साइज का है, जानवर ठीक ठाक था, फ्रेश जानवर है लेकिन उतना का है नहीं। तो आदमी हम लोग जो सादा निकाले थे उसका 40 बोला, फिर 40-45 और भी आदमी लोग बोल रहा था तो दिया नहीं भाई। तो ये वाला भी जानवर देखिए फिट जानवर है, खूबसूरत है, बछिया है ये वाला, लेकिन क्या है कि रेट के हिसाब से छोटा जानवर है। तो बहुत होगा तो इन लोग का इरादा होगा शायद 50-55 तक ऐसे छोड़ने का। तो किसी भाई को अगर लेना है तो जाके ये ठीक ग्वालवाड़ी घुसने से घुसना है आपको, आगे बढ़ जाना है थोड़ा जो हंसी कलर की तरफ जाता है, जो न्यू टाउन का एरिया में जाया जाता है। तो हम लोग पास कर रहे थे तो हम लोग निकल के देखने लग गए, बोले अगर हो जाएगा तो जोड़ा, अगर हुआ तो ले लेंगे, लेकिन रेट नहीं बैठा इसमें। तो हम लोग और भी वो अपना तीसरा नंबर गाय भी सब दिखाया, तो ये वाला भी इसका और थोड़ा रेट बोल रहा था, तो इसका हाइट वगैरह है लेकिन अब उतना रेट का जानवर नहीं है, उतना बना हुआ नहीं है, जानवर सब ठीक ठाक है, फ्रेश जानवर है। आप जाके देख से अभी रास्ते में बहुत जगह लगा के रखा है, और शाम को और भी जानवर रहता, हम लोग तो एकदम दिन का टाइम था उस टाइम 3:30 का, तो उधर साक्षरहाट में देखते देखते फिर वहाँ से हम लोग नारकुल बेड़िया भी गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं था, ज़्यादातर भूख हो गया, टेढ़ा टेढ़ा जानवर सब बचा हुआ है तो वो सब देखकर कुछ नहीं। तो हम लोग अब न्यू टाउन का एरिया पकड़ लिए हंसी कला से, देखिए ये न्यू टाउन का एरिया है, ये विश्व बांग्ला गेट आएगा पहले, फिर यही रास्ता पकड़ के आपको आपका दानकुनी की तरफ जाना है। तो ये आपको दिखा दे रहे, देखिए आगे विश्व बांग्ला गेट आएगा और उससे आपको आगे बढ़ जाना है, और आप
आपको फिर डानकुनी वाला रूट पकड़ना है, दक्षिणेश्वर होते हुए, दक्षिणेश्वर ब्रिज होते हुए आपको डानकुनी जाना है। तो देखिए अब हम लोग दक्षिणेश्वर ब्रिज पहुंच गए, यहाँ से आपका कुछ ही किलोमीटर है डानकुनी का। तो हम लोग बोले चलो एक मरतबा डानकुनी में भी ट्राई करते हैं, ग्वालबाड़ी वगैरह का तो हम लोग का बजट में आएगा नहीं, तो क्योंकि रीजनेबल अब उस वहाँ भी क्या जानवर है नहीं है अभी बोल नहीं सकते। तो दानकुनी में हम लोग बोले चलो ट्राई करते एक मतलब दानकुनी में, तो दानकुनी के तरफ हम लोग बढ़े। तो दानकुनी में पहले हम लोग जाए देखिए पहुँचे ये खटाल में, तो ये खटाल का भी बहुत सारा जानवर आपका बिक्री हो चुका था, तब भी देखा कि रेट थोड़ा बहुत रीजनेबल है। तो लेकिन जब फिर हम लोग दाम दर किया तो कुछ जानवर बिक्री हो गया, कुछ जानवर है तो देखिए काला वाला के बगल वाला जो है, काला वाला बिक्री हो गया था, काला वाला के जो बगल वाला है बछिया पैटर्न का जानवर है, बहुत ही अच्छा था, गोल गाल था, शॉर्ट जानवर था, हाइट ठीक था लेकिन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लंबा जानवर नहीं था, शॉर्ट जानवर था। तो इसका बोला 1,30,000 रुपया, 1,30,000। तो मतलब हमको लगा कि 1,30,000 बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वही 80-85 ऐसा बोले तो दिया नहीं जानवर। तो हम लोग बोले चलो ठीक है देख लीजिए दाम थोड़ा समझ में आ, बोला नहीं भाई 1,00,000 से कम नहीं होगा जानवर। तो भाई 1,00,000 का बजट था नहीं हम लोग का, तो इसी वजह से हम लोग बोले चलो भाई देख दाग लो आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आपको आपका भाई अपना जानवर दिखाएगा उस म्यूजिक वीडियो में, तो आप देखिए कैसा लगा आपको मेरा जानवर, फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे बात उसके बाद में, ठीक है। तो ये आपका भाई को अगला फॉर्म में पसंद आ गया। मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला, हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां, सुकून मिला, सुकून मिला। ओ तो अभी हम फारूक भाई के खटाल में हैं, उमर फारूकी के, जो जानवर दिया वो वाला जानवर दूसरा फार्म से लिए और यहाँ और गाय देखने आए थे, तो यहाँ भी कुछ गाय पसंद आया, अभी फाइनल नहीं हुआ आपको फिर बतलाएंगे। तो वो जानवर जो हम लिए हैं भाई वो आपका उसका 1,10,000-20,000 रुपया बोल रहा था, और कैसा लगा आपको जानवर आप बतलाइए। और आपका भाई बहुत दाम दर करते कराते, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं है भाई, जो रेट में लिए वो आपको बतला देंगे। तो ये जो है जानवर जो आप देख रहे हैं ये 2025 के लिए है, अभी ये जानवर कच्चा माल है, बनेगा तो बहुत खूबसूरत होगा कूट वगैरह, तो वही आपको बतला देते हैं जो जानवर है हम लिए हैं वो। इतना बोला दाम दर करते कराते करते कराते आपको भाई को वो जानवर 80,000 में मिला है, 80,000। तो बहुत आदमी नहीं बतलाता है, नहीं बतलाना चाहिए, हाँ बतलाना चाहिए, हम उतना बड़ा वो नहीं है, जब उतना सोचते नहीं है वो कोई भी चीज़, हम आप लोग से अपना यूट्यूब फैमिली से सब कुछ शेयर करते हैं। इसमें भी एक जानवर है जो हमको पसंद आया है, इसी सब जो लॉट में आप देख रहे हो जब बैठा हुआ बाहर में, अगर फाइनल हो जाता है तो हम आपको बतलाएंगे, और अगर नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बतलाएंगे। होप सो आपको मेरा जानवर पसंद आया होगा, तो ऐसे जम के दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और लाइक अपना भाई का जानवर है दबा के लाइक कीजिएगा, और कैसा लगा जानवर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, रेट कैसा लगा आपको, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।